ਚੱਕਰ ਜੋਰ ਤੋਂ ਬਸਾਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੋ ਮਾਨੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਓ ਸਹੀ ਸੜਕ ਬਣਵਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਰਸੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨਮਸਕਾਰ ਉਦਿਆਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਪਰ ਨਈ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਡਾਲਨੇ ਕਾ ਕਾਰਜ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ लेकिन रोड निर्माण ना होने के कारण यहां के दुकानदार बेहद परेशान है। वहीं इस रोड पर टूटी हुई वाटर सप्लाई की पाइप कोर्ट में काज का काम कर रही है, जिसके कारण लगभग 200 फीट का एरिया में दलदल बनी हुई है। कीचड़ में कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं, जबकि दुकानदारों के सामने अपनी दुकानदारी चलाने की समस्या आ चुकी है। इसलिए दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। यहाँ के दुकानदारों ने प्रशासन व नगर निगम से जल्द सड़क बनाने की मांग की है। जानकारी देते हुए दुकानदारों ने बताया कि पूरा साल बीत गया, पहले यहाँ पर सीवरेज निर्माण कार्य चल रहा था तो उन्हें लगता था कि काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, गंदे पानी की समस्या हल हो जाएगी व नई सड़क बनने के बाद उनका काम चलने लगेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, सीवरेज पाइपलाइन डालने का काम पूरा हो गया, सड़क बनाने की बजाय मिट्टी छोड़ दी गई, जिसके कारण सड़क ऊबड़ खाबड़ हो गई और अब यहाँ से दोपहिया वाहन चार पहिया वाहन गुजरना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। ऊपर से यहाँ खड़ा पानी लोगों को परेशान कर रहा है। इस बारे में कांग्रेस नेता संदीप जाखड़ ने कहा कि दुकानदारों को समस्या आ रही है, इससे वे सहमत हैं। उनका प्रयास है कि यहाँ पर जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जाए। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि टेंडर 9 या 10 तारीख को खुल जाएगा और उसके 15 दिनों के बीच में काम शुरू हो जाएगा। वैसे बरसाती पानी काफी दिन तो ही है मेरा टायरां दा काम आई साडा काम अद्धा रह गया जी अगे नालों बिलकुल ही परेशान हो रहे हैं। सारा दिन चिक्कड़ कस्टमर साडे कोल पहुंचदा ही नहीं गा जी। असीं इस करके प्रशासन तो मांग करदे जल्दी तो जल्दी सड़क बनवाई जाए। हाँ जी, सड़क का बहुत बुरा हाल है जी, एदा भी इन्ना का बुरा हाल है। गड्डियां तो गड्डियां थले लग जांदियां जी, मोटरसाइकिल नहीं टप सकता। मोटरसाइकिल तो बड़ी दूर की गल, पिछे वेखो तुसी पानी पानी खड़ा है, इत्थे कोई पैदल नहीं टप सकता। मोटरसाइकिल वाले हुण 2 मिनट पहला 2 बंदे थले डिग पए, उन्हां नाल लेडी सवारी सी, एक छोटा जिहा बच्चा सी, उन्हूं असीं उठाया। बहुत बुरा हाल है जी सड़क का, बहुत ही ज़्यादा। प्रशासन को चाहिए भी यदा कम या तो कोई इनू होर नहीं तो कच्ची कर दो इनू, ठीक है जी। तो बंदे टप तो सकन, पैदल तो टप जे, इतने मोटरसाइकिल कार जीप कुछ नहीं टप सकता जी। रोड के लोग कहते बहुत परेशान है, उधर पानी बहुत भरया हो, पानी की लीकेज है उधर, तो उन्हें बारे की कदों तक समस्या हल हो जाएगी? सड़क भी नहीं बनी हुई सर उत्थे। नहीं जी, वाकई मैं थोड़े नाल सहमत हाँ, बहुत दिक्कत है गौशाला रोड से। बट उधर जो मैं चैक किया टेंडर परसों खुल जाऊगा जी, तो टेंडर खुलने के बाद 15 दिन का प्रोसैस है, तो होपफुली जुलाई के बाय द एंड ऑफ जुलाई काम शुरू करा देंगे। तो मैं लोगों को आई रिक्वेस्ट भी करूँगा कि देखो इतने अज असी फाजिलका रोड ओल्ड फाजिलका रोड से आए थे, भरत जी का एक फंक्शन से इन्हों के घर, तो इतने भी बहुत दिक्कत सी, लेकिन असी लोगों नाल वायदा किया भी अबोर की आबा बहाल करके ही छड़ांगे। एंड आ भी लगभग 80% काम हो चुके हैं, तो ओल्ड फाजिलका रोड लगभग जब मैं क्या 80% कंप्लीट हो चुकी है, तो ओल्ड अपने गौशाला रोड भी उम्मीद है भी इस महीने के एंड ऑफ दिस मंथ काम शुरू करा देंगे। जब मैं कह रहा टेंडर हो चुका है, परसों टेंडर खुल जूगा, तो परसों तक मैं तुम्हें आई विल बी एबल टू गिव यू एग्जैक्ट डेट भी कदों तक काम शुरू हो जूगा। तो एक मैं तुहाडे माध्यम तो आ भी मैं गल रखना चाहता भी साडा हमेशा ही प्रयास रहा भी अपना शहर, क्योंकि अजकल कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकण वास्ते हर चीज़ के विच नुक्ताचीनी करते, नुक्स कढ़ते। ये साडी हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रही है भी जिहड़ा अकालिया ने बीजेपी ने अपने शहर नूं खंडर बनाता सी,
ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਬੋਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਫਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ।